भेण सनम उमरानी जे कत्ल केस में गिरफ्तार थियल शफकत हुसैन उमरानी जी आज़ादी लाए जेकब बाद में सिविल सोसाइटी जा सवें मानू रोडन ते निकरी आया। सिविल सोसाइटी पारां भेण सनम उमरानी जे कत्ल केस में गुजरियल पंजन सालन खां जेल में कैद थियल संदस भा शफकत हुसैन उमरानी जी आज़ादी लाए हुसैन अली उमरानी, मोहम्मद रफीक बिरोई, अली मर्दान सयाल, मीर इरशाद खारानी, शलू राम, रफीक अमन सूमरो, ज़ुल्फ़कार अली खंड, मीर आतिफ नज़ीर उमरानी समेत बेन जी अगुवाणी में शहीद अलाबक सूमरो पारिक खां रैली कढ़ी वई, जैमें सियासी समाजी तोड़े मजहबी तंजीमन के अगुवाणन समेत सिविल सोसाइटी जहा सवें मानू शरीक थिया। रैली में शफकत हुसैन उमरानी जो ब मासूम नियाणियों हरीम फातिमा याशील फातिमा उमरानी भी शरीक थियं। रैली में शरीक मानू हथन में बैनर, प्ले कार्ड ए शफकत हुसैन उमरानी की तस्वीरों वारा पेनाफ्लेक्स खड़ी शहर में मार्च कर आज़ाद कर आज़ाद कर शफकत हुसैन उमरानी के आज़ाद कर जड़ा नारा हया, जैखा पोए रैली प्रेस क्लब पहुंची जलसे की सूरत अख्तियार कर वही। इन मौके ते रैली में शरीक मानू इबरत न्यूज सा पेंजा विचार इन रीत वंडिया। बेकसूर है पैं भा के शहीद किया बलोसान में उन्हीं बाद में महरम के रमजान शरीफ के महीने में भलारे महीने में उन मुख्तलिफ़ मख्त फिक्र जहाँ मेहमान हुआ जो इफ्तारी कन पाया उन्हीं का बाद में एक फोन आई है बाबा तुझी भेण शहीद थी वही है इन भेण लाश वसूल करने के लिए मीर लियाकत खान वह उत उन्हीं बाद में दी का बाद में शफकत खान जो नालो ऐड कर मीर लियाकत खान जो नालो ऐड कर पुलिस चे अस टे गवाह लेकिन पुलिस भी टे गवाह बरम अमर 164 में माना पेश न कर सको अस सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट सिंध के अपील क्यों खुदारा हि केस जो री इंक्वायरी कराया वही जे टिका हथन उन्े गिरफ्तार क्या वन बेगुनाह भेण भी उन्हीं शहीद थो भा भी उन्हीं शहीद वो बेगुनाह भाव के आज़ाद कर शफकत खान के पंज साल मुसलसल जो है बेगुनाह कैद कर अथ 180 यादूर थी वह 180 यादूर के केस अ शुरू न थो पंज साल की कोशिश ये है तो केस तो हलो वे कम से कम हाईकोर्ट के अपील था क्यों चीफ जस्टिस के अपील था क्यों चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अपील था क्यों केस तो कम से कम हलो उनके बचने की निगेबानी कैर कह उनके बचने की मालिकी केर कह उनको घर केर हलाई तो एक सोशल वर्कर मूँ आ बेगुनाह कैद आ आखिर केस के इनके हल आखिर तो बेगुनाह जैसे पंज साल में बेगुनाह निकरे तो वी साल में बेगुनाह निकरे तो उनका पोया साल भर ही केर दी तो इन कर चूं था खुदारा जे भी बेगुनाह कैद हैं उनका केस हलो वे तो उनका केस हलदा तो एक बेगुनाह मूँ जो आज़ाद तो शफकत खान बेगुनाह है जो है इन या केस हलए वे या इनके आज़ाद के वे यो बेगुनाह है असि जाती तौर खबर है इनसा रायत थी वे इनसा जो भी सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का गुजारिश क्यों था इनसा हक थे ना हक थे असि जाती तौर खबर अ ना हक इनसा ज्यादती है इनसा या इनो केस हलए वे।